बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ईडन लेक। इस कहानी की शुरुआत में नर्सरी स्कूल टीचर जेनी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव टेलर के साथ कंट्री साइड जा रही है। दरअसल वहां पर एक लेक है जिसका नाम ईडन है और ये वहां पर हाइकिंग करने के लिए जाना चाहते हैं। और जब ये कंट्री साइड पहुंच जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें लेक तक पहुंचने के लिए एक घने जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा और ये दोनों उस जंगल से होते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम एडम है। दरअसल एडम कीड़ों को जमा कर रहा होता है, साथ ही कुछ नोट्स बना रहा होता है। हालांकि जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो जेनी की किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद जेनी और स्टीव इस जगह को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं और तभी वो देखते हैं कि एडम के पास कुछ लड़के आते हैं जो उसे परेशान कर रहे होते हैं, इसीलिए एडम वहां से चला जाता है। इसके बाद जेनी और स्टीव लेक के पास लेट जाते हैं। जेनी की आंख लग जाती है और तभी एक डॉग के भौंकने की आवाज से जेनी की आंख खुल जाती है। जेनी इस डॉग को देखकर डर जाती है। दरअसल यहाँ पर वो लड़के जिन्होंने एडम को भगाया था ये उन्हीं का डॉग होता है। वो अपने डॉग को वापस बुला लेते हैं और अब स्टीव लेक के अंदर स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। जेनी लेक के किनारे बैठी होती है और एक बार फिर से वही डॉग उस पर भौंकता है। वो उसके पास आ जाता है। स्टीव लेक के अंदर से सब कुछ देखता है, उसे देखकर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन लड़कों के पास जाता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये सब के सब बहुत बदतमीज होते हैं, ये स्टीव का मजाक उड़ाते हैं। स्टीव अपने टूर को खराब नहीं करना चाहता इसीलिए वो उन लड़कों को कुछ नहीं कहता और वापस आ जाता है, लेकिन ये अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। ये जेनी को दूरबीन से देख रहे होते हैं पर कुछ ही देर बाद ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। और इन लोगों के जाने के बाद जेनी और स्टीव रात यहीं पर गुजारने की तैयारी करते हैं। स्टीव अपने लिए टेंट लगाता है और जेनी लकड़ियां लेने के लिए जाती है पर तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज आती है। पर जेनी जब झाड़ियों की तरफ देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब रात को जब ये आग के पास बैठे होते हैं तो जेनी को बार बार ऐसा लगता है कि इनके आसपास कोई है पर इन्हें आसपास किसी के होने के कोई भी सबूत नहीं मिलते। पूरी रात गुजारने के बाद जब ये सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि इनके पूरे खाने को कीड़ों ने खराब कर दिया है, इसीलिए अब इन्हें खाना लेने के लिए शहर जाना होगा। ये दोनों अपनी गाड़ी में आ जाते हैं और जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। स्टीव देखता है किसी ने गाड़ी के टायर के आगे बॉटल रख दी थी जिस वजह से गाड़ी का टायर पंचर हो गया। स्टीव समझ जाता है कि ये उसी ग्रुप का काम है जो कल लेक के पास था। स्टीव अपनी गाड़ी का टायर चेंज करता है और जब वो शहर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहां पर वही ग्रुप है जो कल उन्हें परेशान कर रहा था। स्टीव उनका पीछा करता है लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ही दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहां पर स्टीव रेस्टोरेंट के ओनर से कहता है कि यहां पर एक बच्चों का ग्रुप है जो हमेशा साइकिल पर रहते हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज हैं। पर रेस्टोरेंट की ओनर उसी को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, इसीलिए स्टीव जेनी के साथ यहां से अपनी गाड़ी से निकल जाता है। तभी वो रास्ते में एक घर के बाहर उन बच्चों की साइकिल्स देखता है और स्टीव समझ जाता है कि घर उन्हीं बच्चों का है। वो अकेला ही घर के अंदर जाता है लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं होता। पर तभी इस घर का ओनर आ जाता है। अब स्टीव घर के अंदर होता और उसके पास बताने के लिए कोई भी रीजन नहीं होता कि वो अंदर क्यों आया, इसीलिए उसे ऊपर से नीचे लटक कर यहां से निकलना पड़ता है। इसके बाद वो जेनी के साथ एक बार फिर से उसी लेक के पास आ जाता है। यहां आने के बाद स्टीव स्कूबा डाइविंग के लिए चला जाता है और जेनी की आंख लग जाती है। और जब स्टीव वापस आता है तो वो देखता है कि वहां पर वो बैग नहीं है जिसके अंदर इनके सेल फोन्स और इनकी गाड़ी की चाबी है। ये चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन इन्हें बैग कहीं भी नहीं मिलता। और इसके बाद जब ये उस जगह जाते हैं जहां पर इनकी गाड़ी थी तो वहां पर गाड़ी भी नहीं होती। अब ये दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए, इसीलिए पैदल ये शहर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी इन्हीं की गाड़ी इनकी तरफ बड़ी तेजी से इन्हें आती हुई नजर आती है। दोनों के दोनों उससे बच जाते हैं। ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी उन्हीं बच्चों का लीडर जिसका नाम ब्रेट है वो चला रहा है। इसके बाद ब्रेट गाड़ी लेकर यहां से निकल जाता है और ये तय करते हैं कि ये पैदल ही अब शहर तक जाएंगे। लेकिन चलते चलते इन्हें रात हो जाती है और तभी इन्हें वुड्स में वही ग्रुप दिखता है जिनके पास इनकी गाड़ी की चाबी और इनके सेलफोन्स हैं। स्टीव ब्रेट के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी की चाबी और सेलफोन्स दे दो, पर ब्रेट साफ साफ मना कर देता है। और तभी उसकी जेब में स्टीव का फोन रिंग होना शुरू हो जाता है। स्टीव उसके पास जाता है और उससे अपना सेलफोन मांगता है लेकिन अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। इनका डॉग भी स्टीव के ऊपर हमला कर देता है
है और तभी इनके ग्रुप का एक लड़का चाकू निकाल लेता है। स्टीव उसके चाकू को पकड़ लेता है लेकिन गलती से चाकू डॉग को लग जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब स्टीव अपनी गाड़ी की चाबी छीन कर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। जीनी और वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं लेकिन इनकी गाड़ी एक जगह फंसी हुई होती है और तभी इनकी गाड़ी के पास वो सभी बच्चे आ जाते हैं जो ऊपर से इनकी गाड़ी के ग्लास पर पत्थर फेंकते हैं। इनकी गाड़ी का फ्रंट ग्लास चटक जाता है। स्टीव किसी तरह से वहां से गाड़ी निकाल लेता है और रैशली अब वो सिटी की तरफ जाने लगता है लेकिन उसकी गाड़ी का गिलास चटका हुआ है इसीलिए उसे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता और उसकी गाड़ी एक टूटे हुए पेड़ से टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से वो गाड़ी में फंस जाता है। वो जेनी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मदद लेकर आनी होगी क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। जेनी को उसकी बात माननी पड़ती है पर तभी यहाँ पर वो सभी बच्चे आ जाते हैं। जेनी वहीं झाड़ियों में छुप जाती है और वो सब के सब बच्चे स्टीव की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जेनी पूरी रात वहीं पर छुपी रहती है और जब वो सुबह वहां से बाहर निकलती है और गाड़ी के पास जाती है तो वो देखती है कि स्टीव गाड़ी में नहीं है। वहां पर कुछ खून के निशान भी होते हैं। जेनी स्टीव को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और वो देखती है कि स्टीव को उन सब बच्चों ने कटीली तारों से बांधा हुआ है। वो स्टीव को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। जेनी को इस सब देखकर बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है लेकिन वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। इसी ग्रुप में एक लड़की होती है जो इस सब को रिकॉर्ड भी कर रही होती है और अभी फैसला करते हैं कि स्टीव को मार देंगी। इसीलिए जेनी को इन बच्चों के सामने आना पड़ता है और जब ये जेनी को देखते हैं तो सबके सब उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जेनी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागती है और इसी दौरान स्टीव को मौका मिल जाता है। वो अपने आप को कटीली तारों से छुड़ाकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं जेनी एक केबिन तक पहुंचती है जहां पर अंदर वॉकी टॉकी होता है पर जब वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो वॉकी टॉकी गिर जाता है और टूट जाता है और अब सब बच्चे भी यहां पर पहुंच चुके हैं। जेनी वहीं पर छुप जाती है और तभी ब्रेड को कॉल करके बताया जाता है कि स्टीव भी भाग चुका है। इसीलिए सबके सब स्टीव को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। जेनी भी अब यहां से भाग जाती है और तभी रास्ते में उसे स्टीव मिल जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो स्टीव को लेकर वापस उसी केबिन में आ जाती है पर यहाँ पर अब सब के सब बच्चे पहुंच चुके हैं। उन्हें पता है कि इसके अंदर कोई ना कोई है और जैसे ही वो केबिन के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। दरअसल जेनी स्टीव को लेकर केबिन के नीचे पानी में चली गई होती है जिस वजह से बच्चे उसे देख नहीं पाते। उनके जाने के बाद जेनी बाहर आती है और स्टीव को पत्तों के नीचे छुपाकर खुद मदद मांगने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। वो देखती है कि उस जंगल में कटीली तारों का एक पूरा बॉर्डर बना होता है। वो उसी के सारे जंगल से बाहर निकलना चाहती है और जब वो भाग रही होती है तो एक नुकीली लकड़ी उसके पैर के आर पार हो जाती है जिससे वो जोर से चीखती है और अब ब्रेट और उसके सभी दोस्तों को पता चल जाता है कि जेनी किस तरफ है। वो सब के सब जेनी को पकड़ने के लिए उसी तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं जेनी के सामने वही बच्चा आ जाता है जिसने उसे यहाँ पर सबसे पहले देखा था जिसका नाम एडम है जिसने उससे बात नहीं की थी। वो एडम से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। एडम उसे अपने साथ ले जाता है पर रास्ते में एक जगह एडम बैठकर अपने मोबाइल से खेलना शुरू कर देता है और जब जेनी उसके पास मोबाइल देखती है तो वो उससे उसका मोबाइल मांगती है पर एडम उसे मोबाइल नहीं देना चाहता। इसीलिए जेनी उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करती है और अब ब्रेट और उसके सभी साथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर जेनी को पता चलता है कि एडम ने ही मैसेज करके इन सबको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद ये जेनी को लकड़ियों के साथ बांध देते हैं। यहाँ पर स्टीव को भी बांधा गया था और अब स्टीव की मृत्यु हो चुकी है। ब्रेट उन लकड़ियों पर आग लगा देता है जो उसने जेनी के चारों तरफ रखी थी। अब जिस रस्सी से जेनी को बांधा गया था वो जलकर टूट जाती है। जेनी आजाद हो जाती है और जब वो भाग रही होती है तभी ब्रेट कहता है कि अगर तुम भागी तो मैं एडम को मार दूंगा। ये सुनकर जेनी रुक जाती है लेकिन तब तक वो एडम को मार चुका था। अब जेनी भागते भागते एक जगह पहुंचती है जहां पर इस जंगल का मैप होता है। वो मैप को निकालती है और तभी उसे अपने आस पास उन्हीं बच्चों की आवाज आती है। वो वहीं पर रखे हुए एक डस्टबिन के अंदर छुप जाती है और जब ब्रेट और उसके साथी इस जगह से चले जाते हैं तो वहां से बाहर निकलती है। यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा होता है जिसे वो कपड़े में लपेट लेती है और तभी वो देखती है कि वहां पर ब्रेट का एक साथी है जो उसे देख रहा है और जेनी उसे जान से मार देती है। इसके बाद जेनी यहाँ से भाग जाती है और अब रात हो जाती है। ब्रेट को अपने साथी की डेड बॉडी मिल जाती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन ब्रेट का एक साथी अब यहाँ से निकलना चाहता है।
ब्रेट उसे मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए ब्रेट उसे मार मार कर जान से खत्म कर देता है। और जब इन्हीं के ग्रुप की लड़की ये सब कुछ देखती है तो वो डर जाती है, वो यहाँ से भाग जाती है। वहीं जेनी को दिखाया जाता है जो जंगल से बाहर सड़क पर पहुंच जाती है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिससे जेनी मदद मांगती है। वो जेनी को गाड़ी में बिठा लेता है लेकिन वो लड़का गाड़ी को वापस जंगल के अंदर ले जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। वो जंगल के एक कोने में ले जाकर गाड़ी को रोक देता है, पर जेनी को अब मौका मिल जाता है। वो गाड़ी को रिवर्स करती है, यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है और तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो ब्रेड के ग्रुप की है, जो वहां से भाग गई थी। उसे नहीं पता होता कि इस गाड़ी को जेनी चला रही है। वो गाड़ी उसे रोकने के लिए कहती है पर जेनी उसे उड़ाकर यहाँ से आगे निकल जाती है। वो एक जगह पहुंचती है जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं, पर इससे पहले कि वो उन तक पहुंचती, जेनी दर्द और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एक घर में होती है और ये घर और किसी का नहीं बल्कि ब्रेट का होता है। तभी ब्रेट अपने घर में फोन करता है और कहता है कि एक लड़की ने हमारे सारे दोस्तों को मार दिया। ब्रेट के डैड समझ जाते हैं कि यही वो लड़की है। अब जेनी यहाँ पर सबको एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है लेकिन कोई भी एम्बुलेंस नहीं बुलाता। जेनी को समझ में आ जाता है कि ये ब्रेट का घर है, इसीलिए वो अपने आप को बाथरूम में लॉक कर देती है। और कुछ ही देर में ब्रेट के फादर और घर के गेस्ट दरवाजा तोड़कर जेनी को बाहर निकालते हैं। जेनी देखती है कि उसके सामने ब्रेट है, वो सबको सब कुछ बताती है लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। ब्रेट कहता है कि जेनी ने और उसके बॉयफ्रेंड स्टीव ने हमारे सभी दोस्तों को मार दिया। ब्रेट के फादर उसे ऊपर जाने के लिए कहते हैं और खुद जेनी को वॉशरूम के अंदर ले जाते हैं। और इसके बाद हमें जेनी की चीखें सुनाई देती है। वहीं ब्रेट को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त की मोबाइल से, जिसने सभी मर्डर्स को सभी टॉर्चर्स को रिकॉर्ड किया था, वो सारे डेटा को डिलीट कर देता है। इसके बाद वो स्टीव के सनग्लासेस पहनता है और ब्लैंकली वो मिरर में अपने आप को देखता रहता है। ये एक हॉरर थ्रिलर कहानी है जिसकी एंडिंग बहुत ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि डर क्या होता है, अपनी जान के लिए स्ट्रगल करना क्या होता है। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।